Hello students, welcome to English class. Today we are going to read a new chapter, that is chapter 6, King Purple. So this chapter is a story about a jackal who wanted to become a king of a forest. Now what happens with him? Let's read out. So first of all, there's an activity. We have to color the boxes that contain actions showing bad habits. So here some bad habits are mentioned and some good habits are mentioned. So you have to color the bad habits. So telling lies means झूठ बोलना good habit है या bad habit है? Yes, definitely it is a bad habit, तो हम इसको color करेंगे. Next is telling the truth means सच बोलना. सच बोलना is a good habit. Next is making fun of others. It means दूसरों का मजाक उड़ाना. ये good habit है या bad habit? Yes, it is a bad habit, so we are going to color it. Next is working hard, मेहनत करना and helping others. Both of these habits are good habits, so we are not going to color them. Now let's start the reading. Take a pencil and keep a finger on the sentences where we are reading. Once on a warm dark night, a curious jackal thought, the forest is getting boring. I need to have some fun. So he went to a town nearby. Once on a warm dark night, एक गर्म रात मीन्स गर्मी थी एंड द नाइट वॉज वेरी डार्क बहुत ज़्यादा डार्क नाइट थी मीन्स बहुत ज़्यादा अंधेरा था तो अ क्यूरियस जैकल थॉट क्यूरियस मीन्स आप चीज़ों को जानने की इच्छुक होते हैं ना वो होती है आपकी क्यूरियोसिटी तो ये जो जैकल है ये भी क्यूरियस था मतलब इसे कुछ नया कुछ अलग करने का हमेशा रहता था तो ये एक बार इसने सोचा कि ये जो फॉरेस्ट है इट इज़ गेटिंग बोरिंग ये बड़ा ही बोरिंग लग रहा है लाइफ में कुछ नया होना चाहिए कुछ एडवेंचरस या कुछ एक्साइटमेंट होनी चाहिए आई नीड टू हैव सम फन तो उसने कहा कि मुझे थोड़ी मौज मस्ती करनी चाहिए सो ही वेंट टू अ टाउन नियर बाय तो इसके लिए उसने क्या किया वो शहर की ओर जो पास ही में एक जंगल के पास में जो एक शहर था छोटा सा टाउन था वहाँ चल दिया He was roaming around the streets, overturning dustbins and kicking empty cans. Suddenly he spotted a large pot near a cloth dyer's house. He was roaming around the streets. मतलब वो ऐसे सड़कों पर ऐसे ही यहाँ वहाँ घूम रहा था and turning upside, overturning dustbins. और dustbins जो है उन्हें overturning मतलब किसी भी चीज़ को ऊपर नीचे डालना upside down फेंक देना तो डस्टबिन्स को ऊपर नीचे उसे गोल गोल घुमाते हुए आगे बढ़ रहा था एंड किकिंग एम्प्टी कैंस और एम्प्टी जो खाली कैंस वगैरह छोटी छोटी सड़कों पे थे उनको किक करते हुए आगे चल रहा था बिकॉज ही वॉज नॉट हैविंग एनीथिंग टू डू सडनली ही स्पॉटेड अ लार्ज पॉट नियर अ क्लोथ डायर्स हाउस तभी उसने क्या देखा उसने अचानक एक चीज़ देखी ही स्पॉटेड अ लार्ज पॉट एक बड़ा सा पॉट देखा Near a cloth dyer's house. Cloth dyer मतलब जो कपड़े dye करता है ना उसको cloth dyer बोलते हैं तो जो कपड़े dye करता है means color करता है उसको cloth dyer कहते हैं तो वहाँ पर उसने एक बड़ा सा pot देखा उसके घर के पास में suddenly means अचानक What's this? He wondered. तभी उसने सोचा अरे ये क्या है उस pot को देख के जैकल ने सोचा कि ये क्या चीज़ है He jumped up to see what was in it. As he jumped, he fell into the pot and splash. So, क्या हुआ? He jumped up to see. और उसने उस pot को अंदर तक देखना चाहा, इसलिए उसने jump किया. और जैसे ही उसने jump किया, वो उसके अंदर जा गिरा. और अंदर से आवाज़ आई, splash. कैसी आवाज़? जैसे हम पानी में जब कोई भारी चीज़ अगर गिर जाए, तो वो कैसे उछलता है पानी? उसी तरह की आवाज़ है. On this is nice on a sorry oh this is nice on a cold night he thought तो उसे अंदर जंप करके अंदर गिर कर बहुत अच्छा लगा क्योंकि गर्म वहाँ बाहर तो वो इतनी गर्मी थी और जैसे ही वो अंदर कूदा उसमें कुछ लिक्विड था तो उसे फील करके बहुत अच्छा लग रहा था कि अरे वाह ये बहुत ही अच्छा है इन द मॉर्निंग ही क्लाइम्ड आउट ऑफ द पॉट और मॉर्निंग में क्या हुआ वो उस पॉट से बाहर निकला ही वॉज वॉकिंग बैक टू द फॉरेस्ट वैन ही क्रॉस्ड अ मिरर और वो जंगल की तरफ वापस जब जा रहा था तो उन्हें रास्ते पे एक मिरर दिखा एक शीशा दिखा ही वॉज वॉकिंग बैक टू फॉरेस्ट वैन ही क्रॉस्ड अ मिरर
ही सॉ दैट हिज कोट हैड बिकम पर्पल, तो उसने देखा उसका जो कोट है वो पर्पल कलर का हो गया है। सो यहाँ पर कोट का मतलब ये नहीं कि उसने ब्लेजर या कोट या जैकेट ऐसा कुछ पहना था, कोट का मतलब है यहाँ पर उसका जो फर है, उसके जो बॉडी पे जो हेयर्स हैं वो पूरे, उसकी जो स्किन है वो पूरी पर्पल हो चुकी थी। द पॉट हैड पर्पल डाई इन इट, वो कैसे हुई, क्योंकि वो जो पॉट था वो एक उस क्लोथ डायर्स जो है उनके घर के सामने था और उसके अंदर पर्पल कलर की डाई रखी हुई थी, तो जैसे ही जैकल उसमें जंप किया वो पूरा पर्पल हो गया। वॉट शैल आई डू नाउ, नो बडी विल रिकग्नाइज मी, ही सेट डाउन ऑन अ बिग राउंड स्टोन टू थिंक, वॉट शैल आई डू नाउ। तो उसने जब अपने आप को मिरर में देखा तो उसने देखा कि मैं तो एकदम चेंज हो चुका हूँ, मेरा कलर चेंज हो गया है, तो उसने कहा कि अब मैं क्या करूँगा, अब मुझे तो नो बडी विल रिकग्नाइज मी, मुझे तो कोई भी नहीं पहचान पाएगा। ही सेट डाउन ऑन अ बिग राउंड स्टोन टू थिंक, और एक बड़े से गोल से पत्थर पर बैठ के वो ये बात सोचने लगा कि मुझे तो कोई अब पहचानेगा भी नहीं, जंगल में अगर मैं जाऊँगा तो कोई मुझे पहचान ही नहीं पाएगा कि मैं वो ही पुराना जैकल हूँ। अ क्रो सॉ हिम, वॉट काइंड ऑफ एनिमल इज दिस, तो एक क्रो जो है उसने उसे देखा तो वो सोचने लग गया अरे ये किस तरह का जानवर है। ओ आई रिमेम्बर द वाइज आउल हैड सेड दैट अ न्यू काइंड ऑफ एनिमल विल कम एंड बी आवर किंग सून, तब क्रो ने अपने आप से बात की कि हाँ, अच्छा मुझे याद आया, जो आउल है उन्होंने हमें बताया था कि एक अलग तरह का जानवर जंगल में आएगा और वो ही हमारा राजा बनेगा, तो क्रो को लगा शायद ये वही राजा है और नए तरह का जानवर है जिसका कलर पर्पल है। ही मस्ट बी आवर किंग, लेट मी टेल एवरीवन, तो क्रो को लगा ये हमारा राजा है, चलो चलो मैं जल्दी जाके जंगल में सबको खबर देता हूँ और सबको बताता हूँ कि वो नया जानवर आ गया है और हमारा जो राजा है वो आ गया है। नेक्स्ट पेज, एज ही फ्लू अराउंड ही टोल्ड एवरीवन अ किंग हैज कम टू आवर फॉरेस्ट, ही इज रेस्टिंग ऑन अ बिग राउंड स्टोन, कम एंड सी, द अदर्स एनिमल्स वर क्यूरियस, दे केम टू सी हिम, द फॉक्सेस वर लीडिंग देम ऑल, दे बोर्ड बिफोर हिम। एज ही फ्लू अराउंड ही टोल्ड एवरीवन अ किंग हैज कम टू आवर फॉरेस्ट, और जैसे ही वो उड़ा और उसने पूरे जंगल में ये बात फैला दी कि एक राजा है वो आगे आ चुका है, ही इज़ रेस्टिंग ऑन अ बिग राउंड स्टोन, और वो एक बड़े से राउंड स्टोन पर आराम कर रहा है, कम एंड सी, आओ और देखो उसे, द अदर एनिमल्स वर क्यूरियस, तो सभी जानवर एकदम क्यूरियस हो गए, उन्हें पता लगाना था कि ये कौन है, कौन आ गया जो हमारे जंगल पर रूल करने वाला है या हमारा राजा बनने वाला है। दे केम टू सी हिम, और सभी निकल पड़े उस राजा नए राजा को देखने के लिए। द फॉक्सेस वर लीडिंग देम ऑल, दे बोर्ड बिफोर हिम, और सारे फॉक्स जो हैं वो आगे चल रहे थे और बाकी जो जानवर है वो उन्हें फॉलो कर रहे थे। दे बोर्ड बिफोर हिम, और सबने झुककर, बो करना मीन्स झुककर उन्हें प्रणाम करना या रिस्पेक्ट देना, उसे ग्रीट किया। हाउ वंडरफुल दे थिंक आई एम अ किंग, गुड फॉर मी, थॉट द जैकल एंड लाफ्ड टू हिमसेल्फ, अब जैकल को भी ये बात पता चल गई थी कि सारे जानवर उसे अपने जंगल का राजा मान रहे हैं, तो उसे ये बात सोचकर बड़ी खुशी हुई और उसने कहा कि अरे वाह कितनी अच्छी बात है, ये तो बहुत ही अच्छी बात है कि सब मुझे अपना राजा मान चुके हैं, अब सब मेरी सेवा करेंगे, मुझे रिस्पेक्ट देंगे और मुझे सम्मान देंगे, तो ही वॉज गेटिंग वेरी हैप्पी, सो ही वॉज एन्जॉइंग ऑल दिस। तो इस तरह से बच्चों वो जैकल है जो जंगल का राजा घोषित किया गया। अब हम देखते हैं नेक्स्ट वीडियो में ये पढ़ेंगे कि उसके बाद उसका क्या हुआ, क्या लोग उसे राजा मानते हैं, क्या वो उस फॉरेस्ट को रूल कर पाएगा या फिर उसका सच सबके सामने आएगा। ओके, सो इन आवर नेक्स्ट वीडियो वी आर गोइंग टू सी व्हाट हैपेंस विद द जैकल, द पर्पल जैकल, द किंग पर्पल, उसके साथ क्या होता है। टिल देन जितना मैंने आपको रीड करा है वहाँ तक आपको रीड करना है और जो भी डिफिकल्ट वर्ड्स हैं उन्हें अंडरलाइन करना है। Okay, that's all. Thank you and have a nice day.